नमस्ते दोस्तों, जीरो डिजिट की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट डेज जो है उनके डेट्स को एक ट्रिक्स के सहारे याद रखेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट पार्ट भी देख लो। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इस सेशन को करने के बाद में ये बड़े आसानी से याद रह जाता है, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले इस लेक्चर को देख लेना है आपने। तो देखो, यहाँ पे पूछता है इंटरनेशनल लेबर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए हैं तो हम इसे ट्रिक्स के सहारे बना लेंगे। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st ऑफ मे। बोलता है एंटी टोबैको डे, वर्ल्ड ओशियन डे, अस्थमा डे या फिर कॉमनवेल्थ डे। तो इसे भी हम ट्रिक्स के सहारे बना लेंगे। फिर बोलता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में ना। तो इसका देखो, 5th ऑफ जून है, 5th ऑफ जून है, 10th ऑफ जून या फिर 10th ऑफ जून। तो लेक्चर के बाद तो ये सारे हमें आना ही है। हम इसी लेक्चर के एंड में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ ही। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इसे याद रखने के लिए हमें तो कुछ मंथ के और डेट्स के ट्रिक्स को याद रखना है, जो पढ़ते ही याद हो जाएंगे, कुछ अलग एफर्ट्स इसे लगने नहीं है। तो देख लेते, देखो जनवरी को जान से याद रखना, मेरी जान होता है ना उस टाइप में। नेक्स्ट होगा फरवरी, फरवरी को फरेब से याद रख लो। मार्च है तो मार से याद रख लो, है ना, मार पड़ी थी। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल को अप्रैल से याद रख लेना। अप्रैल यानी कपड़े होता है, कोई कपड़े की दुकान होती है ना, वहाँ पे अप्रैल लिखा होता है, ये कपड़े होते हैं, ये अप्रैल। नेक्स्ट है मई से याद रखना, मई यानी खुद को हम बोलते हैं ना मई। नेक्स्ट है जून को याद रखना, जून से जूनियर होगा, ठीक है, जूनियर से याद रखना, या फिर जूनियर जी का सीरियल आप लोगों ने देखा होगा उससे याद रखना है। फिर है जुलाई, जुलाई को जूली से याद रखो। अगस्त को ऐसा आग लिखते हैं ना, तो आग से याद रखना है। सितंबर होगा तो सेब से याद रखो, सफरचंद जो होता है ना एप्पल, उसे सेब बोलते हैं, तो सेब से याद रखो। अक्टूबर होगा ऑक्टोपस से याद रख लेना, जो ये 8 पैर का जो होता है ना एनिमल, सी के अंदर होता है ये, ओशियन के अंदर, तो ये ऑक्टोपस से याद रख लेना। नवंबर जो है वो नो वे या फिर न्यू वे से याद रख लेना, ये नवंबर को। फिर दिसंबर को डीसी बोलते हैं, तो देसी से याद रखना, देसी, है ना। चलिए अब डेट्स को भी देख लेते हैं, ये सारे आपके ध्यान में आ गए होंगे, या तो फिर एक बार आपने खुद भी ब्लैंक पेपर पे बना के देखना, ये आपको याद हो जाएगा दोस्तों, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट है देखो, तारीख को कैसे याद रखोगे। वन है तो ये कैसा रिदम आता है इसका, सन, वन सन, वन सन, तो इसी टाइप में सारा करना है। टू शू, टू शू। थ्री ट्री। फोर डोर। फाइव वाइफ, है ना, वाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है ना वाइफ, तो उस टाइप से। नेक्स्ट है सिक्स विक्स। सेवन हेवन। एट प्लेट। नाइन वाइन। टेन हेन। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते कल्पना भी करना है दिमाग में, तो बहुत अच्छे से ये दिमाग में फिट बैठ जाता है। नेक्स्ट है देखो, 11 को अकरा बोलते हैं और अकरा से बकरा को याद रख लेना, ये चीज़ को यहाँ पे। फिर है 12, 12 को होगा शेल्फ, है ना, इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे शेल्फ बोल देते हैं ना, शेल्फ, तो ये शेल्फ होगा, अलमारी टाइप में शेल्फ। नेक्स्ट है तारा, तारा को याद रखो, ये 13 के लिए। 14, तो 14 को फोर्ट इन, फोर्ट के अंदर, किले के अंदर, फोर्ट इन। फिर 15 को बोलो फाइटिंग, फाइटिंग होगा तो 15 होगा। 16 है तो साला बोलो, साला होता है ना बीवी का भाई। नेक्स्ट है 17, 17 को 17 बोलते हैं, 17 को खतरा से याद रख लेना, ये खतरा का साइन बना होता है ना बिजली के खंभे पे, तो वो वाला खतरा, 17 खतरा। नेक्स्ट है 18, 18 को खटारा से याद रख लेना, कोई गाड़ी खटारा होती है ना वो खटारा, 18 के लिए। 19 को याद रख लेना नाइटी से, जो भी नाइटी कपड़े पहनते हैं ना हम, नाइटी। नेक्स्ट है 20 को 20 बोलेंगे, तो 2020 मैथ से याद रख लेना इसे। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 21, 21 को 21 से याद रख लेना। 22 को बॉइस से याद रख लेना। 23 को रईस से याद रख लेना, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान में रख लेना, 23 है तो रईस है।
फिर 24 को 24 कैरेट सोना से याद रख लेना, 25 को माचिस से याद रख लेना ये चीज़ को, ठीक है, 25 को माचिस, 26 को स्पेशल 26 जो अक्षय कुमार की मूवी थी, ठीक है, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर बना था ना वो, तो वो वाला स्पेशल 26 मूवी को याद रख लेना। 27 को सत्ता से याद रख लेना, ये बीजेपी की सरकार है ना, सत्ता बनाई हुई है तो वो वाली सत्ता। फिर 28 जो है उसे ठोए ठोए फीस से याद रख लेना। फिर 29 होगा तो वो नथी है ना, वो नहीं थी, या फिर वो नथी से 29 को याद रख लेना, ठीक है। ये जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसे थोड़ा गौर करना, ये कहीं भूल ना जाए, बाकी तो सब आसानी से याद रहता ही है। 30 को डर्टी से याद रख लेना, और ये 31 को एक थी ऐसे करके याद रख लेना, है ना। ये स्टार किए हुए जो चीज़ है इनको याद रख लेना आपने। 23 को रईस से, 25 को माचिस से, फिर ये 29 को वो नहीं थी, और 31 को एक थी। बस ये सारी चीज़ें भी आप एक बार ब्लैंक पेपर पे करके लिखना, इसके बाद में कोई डे कोई डेट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, याद रखना बड़ा ही आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी डेज को भी कर लेते हैं हम। इसके पहले सेशन में हम कुछ अप्रैल का कुछ हिस्सा कर चुके थे, जनवरी से लेके अभी उसके आगे के डेज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अभी बोलता है 10th अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो देखो किस टाइप से बनता है ये 10 हो गया, अप्रैल हो गया, और ये होम्योपैथी हो गया। अब बोलना तो ये है हमें, पर इसके लिए ट्रिक देखो, 10 को हमने याद रखा था हेन से, 10 हेन। अप्रैल को याद रखा था अप्रैल से, जो कपड़े के लिए होता है, और ये होम्योपैथी। तो कल्पना करिए दिमाग में कि कोई हेन है, कोई मुर्गी है, जिसने अप्रैल पहने कपड़े पहने, और उसके कपड़े के जेब में उसने होम्योपैथी मेडिसिन रखा है। और ये अभी देखो हेन से क्या याद आएगा, 10। अप्रैल से याद आएगा कपड़े, और कपड़े के अंदर होम्योपैथी मेडिसिन। तो 10 अप्रैल को मनाया जाएगा होम्योपैथी डे। नेक्स्ट है 11th अप्रैल को मनाया जाएगा नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो देखो 11 है, अप्रैल है, और ये मदरहुड, 11 को याद रखा था, 11 11, 11 से होगा बकरा, तो ये अप्रैल और ये मदरहुड। तो कोई अगर अपने मदरहुड के अप्रैल पहनेगा, मदरहुड के कपड़े पहनेगा, तो वो तो बकरा बनेगा ना, तो बकरा से हो गया 11 11, से 11, और ये अप्रैल, तो 11 अप्रैल को मदरहुड डे है, सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट है 18 अप्रैल, है ना, 18 अप्रैल को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है। तो देखो लिखा 18 अप्रैल को हेरिटेज, यानी 18 मतलब क्या, खटारा हो जाएगा, ये अप्रैल और ये हेरिटेज है। तो देखो हेरिटेज मतलब क्या, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको संभालना, है ना। तो राजा महाराजाओं के जो भी अप्रैल थे, कपड़े थे, वो भी आज हमारे लिए हेरिटेज है, उसको संभालना हमारा काम है, चाहे वो कितने भी खटारा क्यों ना हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें उसको हेरिटेज के अंदर संभाल के रखना है। तो अप्रैल कैसे है, खटारा बन चुके हैं हेरिटेज के लिए, तो खटारा से 18, अप्रैल से अप्रैल, तो 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22nd अप्रैल, जो वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। तो देखो 22 अप्रैल को अर्थ डे, तो 22 को हमने याद रखा था बॉयज से, और ये अप्रैल है तो उनके कपड़े हैं, और ये अर्थ यानी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बॉयज ने अपने अप्रैल दे दिए। कल्पना करिए दिमाग में कि कोई बॉयज है, उन्होंने अपने कपड़े किसको दिए, पृथ्वी को देकर पृथ्वी की लाज बचाई। तो देखो ये बॉयज से 22 होगा, ये अप्रैल होगा, और ये पृथ्वी है, तो अर्थ डे कब होगा, 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट है 24th अप्रैल, यहाँ पे मनाया जाता है नेशनल पंचायती डे। तो लिखा है 24 अप्रैल पंचायत, तो 24 को याद रखा था 24 कैरेट सोना, ये अप्रैल है तो कपड़े है, और ये पंचायत। तो देखो 24 कैरेट सोना कोई अपने अप्रैल में रखता है तो पंचायत हो जाएगी ना, कोई भी आदमी आके लूट सकता है, तो 24 कैरेट सोना कहाँ है, उसके कपड़े में, अप्रैल में, तो 24 अप्रैल में सोना रखा, इसलिए क्या होगा, पंचायत हो गई, तो पंचायती डे होगा ये। नेक्स्ट देखो 25th अप्रैल क्या बोल के सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो 25th अप्रैल मलेरिया लिख दिया, तो 25 मतलब क्या होगा, माचिस को याद रखा था ना यहाँ से, और ये अप्रैल और ये मलेरिया। तो देखो मलेरिया पेशेंट के शरीर पे जो कपड़े हैं
है ना, अप्रैल है, उसे हमने जला दिया, क्योंकि क्या है उसके कपड़ों पे थोड़ा जंतु होते हैं ना उसके, तो इसके लिए। तो देखो ट्रिक है, माचिस से मलेरिया पेशेंट के अप्रैल जला दिए। तो माचिस यानी क्या, 25, मलेरिया यानी मलेरिया डे, और अप्रैल, अप्रैल यानी उसके कपड़े, यानी अप्रैल को अप्रैल से याद रखना है, तो 25 अप्रैल मलेरिया डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। बस जैसे जैसे ट्रिक्स है ना, उस टाइप में आपने कल्पना करिए कि आप सही में किसी मलेरिया पेशेंट के कपड़े जला रहे हो माचिस से, तो ये चीज़ दिमाग में फिट बैठ जाती है और ऑप्शन हम आराम से क्लिक कर पाते हैं वही जो उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखो 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR डे, है ना, ये पेटेंट से रिलेटेड होता है कुछ। ये 26 अप्रैल जो है IPR के लिए, तो देखो ये 26 को याद रखा था हमने अक्षय कुमार की मूवी जो स्पेशल 26 थी ना उससे, ये अप्रैल को अप्रैल से याद रखा था, और ये IPR को अभी प्रॉपर्टी से याद रख लो। तो स्पेशल 26 को अप्रैल दिए प्रॉपर्टी लूटने के लिए, है ना, इनकम टैक्स के उसको अप्रैल दिए थे, कोई भी प्रॉपर्टी लूटने के लिए जाते थे फिर वो। तो देखो स्पेशल 26 से 26 तारीख को याद रखो, अप्रैल यानी उनका जो भी यूनिफॉर्म है उसको अप्रैल से याद रखो, और प्रॉपर्टी IPR के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो बस याद आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे, तो लिख दिया 29 अप्रैल डांस। तो देखो 29 को याद रखा था हमने, वो नहीं थी, वो नथी, तो कोई डांस कंपटीशन है जिसमें आपने सहभाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए आप पे ग्रुप में जो भी लड़की थी वो नहीं थी प्रॉपर अप्रैल में, वो डांस के लिए जो भी कपड़े लगते थे अप्रैल लगता था उसने पहने नहीं थे ना, तो डांस के लिए वो नहीं थी प्रॉपर अप्रैल में। तो देखो वो नथी से बनेगा 29 अप्रैल से बनेगा अप्रैल, और डांस से बनेगा इंटरनेशनल डांस डे। नेक्स्ट है 1 मई को बनता है इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाएगा, तो लिखा है 1 मई को लेबर। तो देखो यहाँ वन को तो हमने सन से याद रखा था, मे से मैं यानी खुद, और ए लेबर है, मैं लेबरर का सन हूँ। देखो आप कोई भी हो, आपके पिताजी कुछ ना कुछ तो काम करते ही होंगे ना, तो वो क्या थे, लेबरर थे, तो ऐसा बोलना है मैं लेबरर का सन हूँ। तो सन से वन याद आएगा, मैं से मे मंथ याद आएगा, और ये लेबरर्स का डे है, तो बस इसी से ये सारा चीज़ याद रहेगा। नेक्स्ट है 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है, तो लिखा है 2 मई और ये अस्थमा, तो 2 को याद रखा था शू से, मैं से याद रखा था मैं, और ये अस्थमा, मैं अस्थमा पेशेंट को शू देता हूँ। बस कल्पना करिए कि आप शू बांट रहे हैं अस्थमा पेशेंट को, तो बोलिए मैं अस्थमा पेशेंट को शू देता हूँ। तो देखो कैसे याद होगा, ये शू से 2 याद आएगा, मैं से मई महीना याद आएगा, और ये अस्थमा, है ना। नेक्स्ट है 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे, तो लिख दिया 3 मई प्रेस। तो 3 के लिए हमने ट्रिक बनाया था ट्री, है ना, 3 के लिए ट्री था, ये मई के लिए मैं, और ये प्रेस, मैं ट्री का पत्रकार हूँ, मैं कौन हूँ, ट्री का पत्रकार, यानी ये 3 होगा, ये मई होगा, और ये पत्रकार यानी प्रेस, 3 मई को मनाया जाता है ये प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डेज को देखते हैं अभी, ये सारा मटेरियल आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन देख के आप बहुत इजीली उसका जवाब बता सकते हो, और बहुत बार तो बिना ऑप्शन देखे ही आप बता दोगे, ठीक है, एक या दो रिवीजन लगेगा सिर्फ। 8 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, लिख दिया 8 मई को रेड क्रॉस। तो 8 के लिए हमने ट्रिक बनाया था प्लेट, मई के लिए बनाया था मैं, तो ये रेड क्रॉस है, मैं प्लेट पर रेड क्रॉस बनाता हूँ। देखो ये प्लेट है, उसमें आपने ये रेड क्रॉस बना दिया, मैं प्लेट पर रेड क्रॉस बनाता हूँ, तो हो गया ना, मैं से हो गया मैं, प्लेट से हो गया 8, और ये रेड क्रॉस, 8 मई को मनाया जाएगा रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट है 11 मई को है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, लिख दिया फिर 11 मई को टेक्नोलॉजी। तो 11 के लिए हमने याद रखा था 11 से बकरा से याद रखा था ना, 11 को लिए बकरा, तो ये मैं से मैं होगा, और ये टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी की वजह से बकरा बन गया, है ना, अभी टेक्नोलॉजी इतना बढ़ रहा है तो किसी भी आदमी को काम से निकाला जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी आएगी तो आपका तो बकरा बनना ही है,
मैं टेक्नोलॉजी की वजह से बकरा बन गया, तो मैं है टेक्नोलॉजी है और ये बकरा है, तो 11 मई को क्या होगा, टेक्नोलॉजी डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 17th ऑफ मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन डे, तो देखो 17th मई को टेलीकम्युनिकेशन, 17 को बोला था 17, 17 से होगा खतरा, और ये मई के लिए मैं और ये टेलीकम्युनिकेशन, तो मैं टेलीकॉम का खतरा जानता हूँ। आपने ये टेलीकॉम के खंभे देखे होंगे तो उस पर ये लिखा होता है ना खतरा वाला, तो मैंने ये टेलीकॉम का खतरा जानता हूँ, तो ये खतरा से 17 होगा मई होगा और ये टेलीकॉम होगा, तो टेली कम्युनिकेशन डे कब होगा, 17 मई को। नेक्स्ट है 22nd ऑफ मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो देखो लिख दिया 22nd मई और ये बायोडाइवर्सिटी, तो 22 को हमने याद रखा था बॉइस से और ये मई को याद रखा था मई से और ये बायोडाइवर्सिटी, मैं बॉयज को बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, आपको बोला है कि बॉयज़ को पढ़ाना है तो आपने क्या पढ़ाया, बायोडाइवर्सिटी, मैं बॉयज को बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, बॉयज़ यानि 22, मैं यानि मई, तो 22 मई को होगा बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है 24th ऑफ मई को होगा कॉमनवेल्थ डे, तो देखो यहाँ पे 24th ऑफ मई को होगा कॉमनवेल्थ डे, तो बोलना है 24 है ना, 24 को हमने 24 कैरेट सोना से याद रखा था, ये मई है और ये कॉमनवेल्थ, तो मई के लिए मैं 24 कैरेट सोना कॉमनवेल्थ पर खर्चा कर देता हूँ, है ना, तो कॉमनवेल्थ ऐसी चीज़ है जिसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उस पर 24 कैरेट सोना का खर्चा कर रहे हो, कल्पना करिए कि आप खर्चा सच में कर रहे हो 24 कैरेट सोना का, तो 24 मई को कॉमनवेल्थ डे होगा। नेक्स्ट है 31 मई को एंटी टोबैको डे है, तो बोलना है 31 मई टोबैको, तो 31 को एक थी से याद रखा था, ये मई को लिए मैं और ये टोबैको, तो एक थी ऐसी चीज़ जिससे मैं नफ़रत करता हूँ और वो है टोबैको, एक थी ऐसी चीज़ जिससे मैं नफ़रत करता हूँ वो है टोबैको तंबाकू, तो एक थी से 31 याद आना है, मैं से मई 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 मंथ याद आना है और ये टोबैको, तो ये याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है 4th ऑफ जून को वर्ल्ड डे इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन का डे होता है ना, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, देखो 4 लिख दिया जून और इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स, तो इसके लिए ट्रिक्स होगा 4 को हमने याद रखा था डोअर से और जून के लिए बोला था जूनियर जी या फिर जूनियर, है ना, तो डोअर पर जूनियर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स की तरह खड़े हैं, ठीक है, जो भी जूनियर लोग होते हैं ना वो काफ़ी इनोसेंट चिल्ड्रन की तरह दिखते हैं और वो विक्टिम्स की तरह हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, है ना, डोर पर कुछ चिल्ड्रन जो है जो जूनियर है इसलिए इनोसेंट है और वो विक्टिम्स की तरह खड़े हैं, इसे कल्पना करिए, तो देखो डोर से 4 याद आना है, जूनियर से जून को याद लाना है और कौन सा डे, इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे होगा। नेक्स्ट है 5th ऑफ जून को क्या होता है, यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होगा, तो देखो ये 5 लिख दिया जून लिख दिया और ये एनवायरनमेंट, तो 5 को हमने याद रखा था वाइफ से, है ना, वाइफ, वाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है वाइफ, तो 5 वाइफ और ये जून से होगा जूनियर जी और ये एनवायरनमेंट, तो वाइफ जूनियर जी की सीरियल देखती है क्योंकि वो एनवायरनमेंट से प्यार करता है ना, एनवायरनमेंट के लिए लड़ता है ना, एनवायरनमेंट को राक्षसों से बचाता है ये जूनियर जी, तो इसलिए उसकी सीरियल कौन देख रही है, वाइफ देख रही है, तो वाइफ से होगा 5, जूनियर जी से होगा जून मंथ और एनवायरनमेंट से होगा एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है 8th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ओशियन डे, तो 8 जून और ओशियन लिख दिया, 8 को याद रखा था प्लेट से, जून को याद रखा था जूनियर जी से और ये ओशियन को याद रखो ओशियन से, तो बोलना है क्या, जूनियर जी ने प्लेट में सारा ओशियन जमाया, ठीक है, प्लेट में तो ओशियन नहीं आ सकता लेकिन ये लाने की बात हो रही है तो कौन कर सकता है ऐसा, जूनियर जी कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर होता है ना, तो याद रखो यहाँ से जूनियर जी से जून, प्लेट से होगा 8, 8th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज ओशियन डे, ठीक है। नेक्स्ट डे पढ़ते हैं अभी, देखो नेक्स्ट डे में क्या बोला है, 12th ऑफ जून को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो लिख दिया 12 जून और चाइल्ड लेबर, तो 12 को हमने याद रखा था शेल्फ से, शेल्फ यानी अलमारी होगी, जून से जूनियर जी
और ये चाइल्ड लेबर। तो देखो जूनियर जी ने सेल्फ में चाइल्ड और लेबर को अलग अलग रखा। तो ये देखो ये सेल्फ बना, इसके अंदर इधर चाइल्ड लग दिया, इधर लेबर लग दिया, किसने? जूनियर जी ने। तो ये अलग अलग रखा मतलब क्या है? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड से लेबर नहीं करवाना है, लेबर चाइल्ड से नहीं करवाना है, इसलिए उसने अलग अलग रख दिया। तो जूनियर जी से होगा जून, सेल्फ से होगा ट्वेल्थ, ट्वेल्थ ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में जो दिन होता है वो डे होगा। नेक्स्ट है 14th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो देखो 14 जून को ब्लड डोनेशन बोला है, तो 14 को हमने बोला था 14 किले के अंदर जून होगा, तो जूनियर जी और ब्लड डोनेशन, जूनियर जी ने 14 में ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ठीक है, तो जूनियर जी से जून, 14 यानी किले के अंदर, तो 14 होगा, 14th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड एज ब्लड डोनेशन डे। नेक्स्ट है 15th ऑफ जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। तो देखो 15 लिखा जून और एल्डर एब्यूज, तो 15 को हमने याद रखा था फाइटिंग से, ये जून होगा, तो जूनियर जी या फिर जूनियर और एल्डर एब्यूज। तो देखो जूनियर लोग अगर एल्डर से फाइटिंग करते बैठे, जो बुजुर्ग लोग हैं ना उनसे अगर फाइटिंग करेंगे तो एल्डर का क्या होगा? अब्यूज ही होगा। तो फाइटिंग से 15 याद रखो, जूनियर लोगों से जून को, और एल्डर से एल्डर एब्यूज हो रहा है, तो एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है 3rd ऑफ संडे ऑफ जून को क्या होता है? वर्ल्ड फादर्स डे। तो ठीक है, जून मंथ के हर थर्ड सैटरडे को क्या हो रहा है? फादर डे हो रहा है। तो याद कैसे रखोगे? जून को जूनियर बोलना है, जूनियर जी बोलना है, और थर्ड संडे हर महीने का तीसरा रविवार या फिर संडे को फादर डे। तो देखो जूनियर जी क्या कर रहा है, अपने काम से छुट्टी लेकर के हर तीसरे संडे अपने पिताजी से यानी फादर से मिलने जा रहा है। बस इसी को कल्पना करिए, जूनियर जी हर तीसरे संडे अपने फादर से मिलने जाता है, तो जून मंथ का हर तीसरा संडे फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। तो 21 लिख दिया, जून लिखा और योगा, तो 21 को याद रखा था हमने 21 से, और ये जून होगा, तो जूनियर जी और ये योगा। तो कल्पना करिए कि जूनियर जी ने 21 करने का योगा सिखाया, कि किस कैसे करते हैं ऐसा योगा जूनियर जी ने सिखाया। तो जून सीनियर जी से होगा जून, 21 से होगा 21, और ये योगा दिवस, तो 21 जून ये सेलिब्रेटेड एज योगा डे। नेक्स्ट है 23rd ऑफ जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो देखो 23 लिखा, जून लिखा और ओलंपिक लिखा, तो इस 23 को हमने याद रखा था रईस से, तो जून तो होगा जूनियर और ये ओलंपिक। तो ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ तो जूनियर भी रईस हो जाता है। एक बार आपका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाए तो आप कितने भी जूनियर हो, कितने भी नए हो, आप तो रईस होना ही होना है ना। तो बस ये कल्पना करते जाइएगा, ये ट्रिक्स जो हम बताते हैं ना उसका कल्पना करना है दिमाग में, तो वो फिट ऑफ फिट रह जाता है। फिर तो बस डिकोड ही करने का काम है, सारे डेज आप बता दोगे। नेक्स्ट है 26th ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो 26 जून को दो डे है यहाँ पे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो याद रखते हैं 26 जून को ड्रग एब्यूज हो रहा है, तो 26 को याद रखा था स्पेशल 26 से, ये जूनियर होगा और ये ड्रग एब्यूज। तो स्पेशल 26 लोग थे जो जूनियर लोगों से ड्रग एब्यूज़ करवाया, ये स्पेशल 26 थे ना। इस इन लोगों से अक्षय कुमार ने क्या किया, ये सारे जूनियर लोगों का इंटरव्यू लिया और इनसे ड्रग एब्यूज़ करवाया, ऐसे याद करना है। फिर ये 26 जून को इलिसिट ट्रैफिकिंग भी डे होता है, जो पब्लिक को यहाँ से उठा के मतलब किडनैप करके कहीं और भेजा जाता है ना, ट्रैफिकिंग होता है। तो ये देखो स्पेशल 26 जूनियर लोग हैं यहाँ पे, और ये इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो स्पेशल 26 लोग जूनियर लोगों की ट्रैफिकिंग भी की अक्षय कुमार ने, है ना। यहाँ से एक तो उनसे ड्रग एब्यूज़ करवाया और उनकी ट्रैफिकिंग भी की। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम हमारे जो भी सवाल थे ना स्टार्टिंग में, तो उनसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक्स के सहारे। तो देखो कितने आसानी से वो बन जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो सवाल देखे थे हमने स्टार्ट में, तो उसे सॉल्व करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन, देखो यहाँ पे लेबर है तो हमने ये लेबर लिख दिया,
तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इनको डिकोड करना है आपको, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो देखो यहाँ पे 11 है अकरा यानी बकरा, और ये कपड़े कपड़े है, और एक बना है बकरा यहाँ से ट्रिक, है ना। यहाँ पे 29 है अप्रैल है, तो 29 को याद रखा था वो नथी, वो नथी, और ये अप्रैल से कपड़े या फिर अप्रैल जो भी होगा। ये 29 मार्च है वो नथी, और मार्च के लिए था मार, ये भी वो नथी, और मई के लिए होगा मई, इसे डिकोड करो। ये 11 है तो ये होगा बकरा, और ये मार्च है तो ये मार, और इसे डिकोड करो। 1 के लिए था सन, और ये मई है ना, तो मई होगा मई, मैं सन। देखो यहाँ से कौन सा ट्रिक इसके साथ में अच्छे से कंबाइन हो जाएगा, जो भी हमने पढ़ा था, कपड़े बकरा लेबर तो नहीं बनेगा, बकरा मार लेबर नहीं बनेगा, वो नत्थी कपड़े नहीं बनेंगे, वो नत्थी मार लेबर से कुछ भी हमारे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है ना ट्रिक, तो वो नत्थी मैं लेबर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखो सन मैं और लेबर, मतलब क्या, मैं सन हूँ लेबर का, मैं सन हूँ लेबरर का, ऐसा कुछ हमने बोला था, ऐसे ही कुछ याद आएगा आपको धुंधला धुंधला सा, मैं सन हूँ लेबर का। तो आपको इन सारे में से सबसे पॉसिबिलिटी लगेगा कि मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँ, एकदम पक्का से तो नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो इसी के बारे में, जो भी कुछ फीलिंग आएगी इसी के लिए आएगी। तो आपने ऐसे ऑप्शन को टिक कर देना है, कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर हमने सवाल देखा था विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st मई। देखो यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन दिया है, तो 31st मई को डिकोड कर दो। ये थी 31 है तो एक थी को याद रखा था हमने, एक थी मैं से होगा मैं, ठीक है, मैं एक थी। तो मुझे यहाँ से तो ट्रिक आपको तुरंत याद आ जाएगा, नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से देख लो टोबैको दिया है, मैं एक थी टोबैको, मैं एक थी अस्थमा, मैं एक थी ओशियन, या फिर मैं एक थी कॉमनवेल्थ। तो इससे सीधा जवाब आपको मिलेगा कि मेरी एक थी ऐसी चीज जिसे मैं नफरत करता हूँ, और वो थी टोबैको। तो ऑप्शन ए के साथ जाना है, जो भी अच्छी फीलिंग आएगी वो इसी ऑप्शन के साथ आएगी, इसलिए आपको यही टिक करना है। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो एनवायरनमेंट डे है तो एनवायरनमेंट लिख देते हैं। तो इसे बाकी सारे ऑप्शन को कोड करना है। फिफ्थ ऑफ जान है ना, फिफ्थ को हमने बोला था वाइफ, और ये जान है, फिर यहाँ पे भी वाइफ है, और ये जून है ना, जूनियर जी, ठीक है, जूनियर जी। नेक्स्ट है ये टेंथ यानी कि हेन होगा, और ये जान, और यहाँ पे ये टेन है, ये भी हेन है, और ये जून यानी जूनियर है। तो देखो ये एनवायरनमेंट का कुछ हमने बोला था कि मेरी वाइफ जूनियर जी का सीरियल देखती है, क्योंकि जूनियर जी एनवायरनमेंट की रक्षा करता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए जो भी फीलिंग आएगा इन सारे ऑप्शन में, वो ऑप्शन बी के साथ अच्छी होगी, तो हमने उसी को टिक कर देना है, और वही आंसर सही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये तीनों सवाल सॉल्व किए, तो अब इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो भी बचे डेट्स और डेज है उनको हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो जाते जाते इतना ही कहेंगे कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।